नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर। पिछली क्लास में हमने नॉपलिस लार्वा, मेटानोपलिस लार्वा, साइप्रेस, प्रोटोजोइया, जोइया तथा एलिमा लार्वा के बारे में पढ़ा था। आज हम जो बाकी बचे हुए जो क्रस्टेशियंस के लार्वा हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या सिग्निफिकेंस है तथा क्या उनका कंक्लूजन है उसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, मेगालोपा लार्वा। ये मेगालोपा लार्वा क्या होता है, इसके क्या स्ट्रक्चर होती है, कौन से क्रस्टेशियंस में ये पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो इन क्रैब्स जोइया इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मेगालोपा व्हिच बियर्स अ लार्ज सेफेलोथोरैक्स एंड स्मॉल एब्डोमेन बियरिंग स्मॉल प्लियोपोड्स, टेल्सन इज वेरी स्मॉल। जो क्रैब है उनमें क्या होता है, जो ये जो लार्वा है वो मेगालोपा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है, एक बड़ा सेफेलोथोरैक्स होता है और एक बहुत ही छोटा एब्डोमेन होता है जिसके ऊपर प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। तो ये तो आपका हो गया आपका सेफेलोथोरैक्स, जो कि बहुत बड़ा है, एब्डोमेन है ना जो बहुत छोटा है ये वाला, ठीक है। और इसमें क्या है, छोटे छोटे ना जो प्लियोपोड्स पाए जाते हैं, और टेल्सन भी जो होता है इसमें बहुत ही स्मॉल होता है। एंटेन्यूल्स एंड एंटीना आर स्मॉल एंड सेंसरी इन फंक्शन एंड देयर इज अ पेयर ऑफ स्टॉक्ड आईज। इसमें जो एंटेन्यूल्स होता है और एंटीना होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और ये क्या काम करता है, संवेदी इसका फंक्शंस होता है। और इसमें जो आईज जो होती है ये देखिए आप, स्टॉक्ड होती है, यानी एक है ना जो आधार, एक मतलब उसके ऊपर एक तंतु होता है स्टॉक्ड होता है जिससे ये लगी हुई पाई जाती है, और इसमें एक पेयर होते हैं आईज के। द सेफेलोथोरैक्स इज कवर्ड बाय ब्रॉड कैरापेस, और सेफेलोपोड में क्या होता है, सेफेलोथोरैक्स में क्या होता है, बेसिकली कैरापेस पाया जाता है, एक ब्रॉड जो आवरण पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैरापेस, उसके द्वारा सेफेलोथोरैक्स घिरा हुआ होता है। द फर्स्ट पेयर ऑफ थोरेसिक लैग्स इज लार्ज एंड किलेट एज इन एडल्ट। जो इसका जो थोरेसिक जो लैग्स होती हैं, जो पहला जो पेयर होता है वो क्या होता है, इनका लार्ज होता है, ठीक है। ये रहा ये आपका इनका ना जो फर्स्ट पेयर ऑफ थोरेसिक लैग्स है वो क्या है, लार्ज है और किलेटेड है, ठीक है, एडल्ट में। द रेस्ट ऑफ द फोर पेयर्स ऑफ थोरेसिक लैग्स आर थिन एंड लॉन्ग एंड आर यूज्ड फॉर क्रॉवलिंग। जो अगला आगे के जो चार पेयर हैं जो इनके थोरेसिक लैग्स के, वो कैसे हैं, बहुत ही पतली है, छोटी है, और वो किसके काम में आती है, क्रॉवलिंग के काम में आती है, रेंगने के काम में आती है, ठीक है। तो पहला पेयर तो कैसा हो गया आपका, बड़ा हो गया और किलेटेड लैग्स हो गई, और आगे के जो चार पेयर से वो कैसे हो गए, छोटे हो गए लेकिन लंबे हैं और किसके काम में आ गए, क्रॉवलिंग के काम में आ गए। इन हर्मिट क्रैब द मेगालोपा लार्वा इज स्लाइटली डिफरेंट एंड इज कॉल्ड ग्लूकोथिया। जो हर्मिट क्रैब होता है उसमें क्या होता है, मेगालोपा लार्वा जो होता है वो थोड़ा सा भिन्न होता है और उसको हम कहते हैं ग्लूकोथिया। इट्स एब्डोमेन कैरीज प्लियोपोड्स एंड द टिप ऑफ द एब्डोमेन बियर्स अ हुक लाइक टेल्सन। इसका जो एब्डोमेन होता है उसमें प्लियोपोड्स पाए जाते हैं और उसका जो टिप होता है वो हुक लाइक इसमें टेल्सन होता है बेसिकली। तो इस प्रकार से हमने मेगालोपा लार्वा की स्ट्रक्चर देखी। एक और डायग्राम है, इसमें आप आसानी से ये देखो, आप फर्स्ट पेयर ऑफ थोरेसिक लैग्स है, ये फोर पेयर्स है आगे की, ये एंटीना है, ये रोस्ट्रम है, और ये इसका सेफेलोथोरेक्स रीजन है जो कि कैरापेस से कवर्ड है, और ये आपका इसका टेल्सन होता है। अब अगला है इसमें माइसिस लार्वा। जो माइसिस लार्वा होता है वो क्या होता है, इन सम क्रस्टेशियंस जो ये लार्वा डेवलप्स इनटू माइसिस। इन पीनियस द माइसिस लार्वा आर एलोंगेटेड, लेटरली कंप्रेस्ड एंड ट्रांसपेरेंट। जो पीनियस होता है उसमें क्या होता है, माइसिस लार्वा होता है वो कैसा होता है, लंबा होता है और लेटरली कंप्रेस्ड होता है, ठीक है, और ट्रांसपेरेंट होता है। एंटीरियरली द कैरापेस प्रोड्यूस्ड इनटू स्पाइन्स कॉल्ड रोस्ट्रम।
अब जो ये आपका जो कैरापेस है, इसका आगे की तरफ कैसे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये स्पाइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं रोस्ट्रम। दे हैव फाइव पेयर ऑफ सेफेलिक अपेंडिजेस, एट पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडिजेस एंड सिक्स पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडिजेस। इसमें क्या होता है, पांच पेयर तो सेफेलिक अपेंडिजेस के पाए जाते हैं, एट पेयर ऑफ थोरेसिक अपेंडिजेस पाए जाते हैं, ये आपके थोरेसिक अपेंडिजेस हो गए, ये आपके सेफेलिक अपेंडिजेस हो गए, एंड सिक्स पेयर ऑफ एब्डोमिनल अपेंडिजेस हो गए, ये आपके एब्डोमिनल अपेंडिजेस हो गए। ठीक है, एब्डोमन इनटू द एंड्स इनटू द टेल्सन, और अगेन इसमें टेल्सन पाया जाता है। एब्डोमन किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेल्सन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से ये माइसिस लार्वा की स्ट्रक्चर होती है। अगला लार्वा है फाइलोसोमा लार्वा। इन लॉबस्टर्स द एग हैचेस इनटू फाइलोसोमा लार्वा इन विच बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमन। जो लॉबस्टर होता है उनमें एग किसमें हैच कर जाता है, फाइलोसोमा लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि जिसकी बॉडी हेड, थॉरेक्स तथा एब्डोमन में डिवाइडेड होती है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका सेफेलोथोरेक्स से बजाय क्या है, तीन अलग अलग रीजन हो गए, इसमें हेड हो गया, थॉरेक्स हो गया एंड एब्डोमन हो गया। देयर इज अ पेयर ऑफ स्टार्क्ड कंपाउंड आईज एंड अ पेयर ईच ऑफ एंटेन्यूल्स एंड एंटीना एज सेंस ऑर्गन्स। स्टार्क्ड कंपाउंड आईज होती है इसमें एक पेयर की, और एक पेयर किसका होता है, एंटेन्यूल्स एंटीना, जो कि सेंस ऑर्गन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एंड ट्रांसपेरेंट। बॉडी कैसी होती है, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है तथा ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी होती है। द फर्स्ट मैक्सिलरी पेज इज रूडिमेंट्री एंड द सेकंड वन इज यूनिरैमस। जो पहली मैक्सिलरी पेज होती है वो रूडिमेंट्री होती है, और तथा सेकंड कैसी होती है, बायरैमस होती है, जिसमें कि दो भुजाएं पाई जाती है। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये एंटीन्यूल हो गया, ये आपकी स्टॉक्ड कंपाउंड आईज हो गई है, ये आपके एंटीना हो गया, ये आपका मैक्सिलरी बीट्स हो गया, ठीक है, ये थॉरेसिक लिम्स हो गए, ये इसका एब्डोमेन हो गया। इस प्रकार से आपको फाइलोसोमा लार्वा की स्ट्रक्चर दिख रही है, जिसको आसानी से आप देख सकते हैं और इसकी स्टडी कर सकते हैं। अगेन फाइलोसोमा लार्वा का आगे का पार्ट, द थर्ड मैक्सिलरी बीट इज लार्ज bi-ramus and is used for swimming. The abdomen is small, segmented and does not bear appendages. Three pairs of thoracic appendages are very long and their tip are flattened oar-like for swimming near the surface of water. तो इस प्रकार से इनमें different different appendages पाए गए। Third maxillipede है जो कि larger bi-ramus है। फिर abdomen है वो small है, segmented है, और इसके ऊपर कोई भी अपेंडिजेस नहीं होते हैं, और इसमें तीन पेयर थोरेसिक अपेंडिजेस के पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही लंबे होते हैं, और उनकी जो टिप होती है वो फ्लैटेंड होती है, और जो कि स्विमिंग के काम में आती है। कहाँ पे, सरफेस ऑफ वाटर के काम में, सरफेस ऑफ वाटर पे ये स्विमिंग करते हैं, और इनकी जो थोरेसिक अपेंडिजेस है वो इसके काम में आती है, ये थोरेसिक अपेंडिजेस देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फाइलोसोमा लार्वा की ये स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। अगेन वही है डायग्राम, एक अलग डायग्राम और दिया हुआ इसमें। ये लार्वा है एपिकेरिडियन लार्वा। दिस इज अ लार्वा ऑफ पैरासिटिक आइसोपोड सच एज बॉपीरस। इट इज अ आइसोपोड क्रस्टेशियंस दैट लिव एज पैरासाइट्स ऑन श्रिम्प and other decapods. Body is oval in shape with six pair of thoracic limbs look like for clinging to the host. Pleopods are biramous and six pairs of for swimming. First pair of thoracic appendages is prehensile. First and second antenna are uniramous and sensory in function. One pair of sharp mandible is modified for piercing the host. This larva occurs in gill chambers of prawns and fishes. ये लार्वा क्या होता है, बेसिकली एक बॉपीरस है ना, जो पैरासिटिक आइसोपोड्स होता है, जो कि है ना, जो आइसोपोड क्रस्टेशियंस होते हैं, जो श्रिम्प तथा अदर डेकापोड्स के ऊपर पैरासाइट्स होते हैं, उसका ये लार्वा होता है।
इसकी जो बॉडी शेप होती है वो कैसी होती है, ओवल होती है, जिसपे सिक्स पेयर्स थोरेसिक लिम्स लुक हुक लाइक होते हैं, जो कि होस्ट के ऊपर क्लिंग करने के काम में आते हैं। इसके जो प्लियोपोड्स होते हैं वो बायरेमस होते हैं, और जिसमें छह पेयर, जो कि छह पेयर होते हैं, किसके काम में आते हैं, स्विमिंग के काम में आते हैं। यदि हम इसके लाइफ साइकिल देखें यदि इसकी, तो क्या हो गया कि जैसे ही आपका एम्ब्रियो बना, सबसे एम्ब्रियो बन करके सबसे पहला जो हैच होने वाला होता है वो एपिकैरिडियम लार्वा होता है, ठीक है। एपिकैरिडियम लार्वा के बाद में फिर आपका ये क्रिप्टोरिंकस लार्वा बनता है, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ रहे हैं अभी अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहले, सबसे पहले एपिकैरिडियम लार्वा हुआ, फिर फोर डेज एपिकैरिडियम लार्वा हुआ, फिर ये कॉपीपोड्स बना, फिर आपका क्रिप्टोनिस्कस लार्वा बना, ठीक है, और इसके बाद में ये फिर एडल्ट बन गया। तो इस प्रकार से इसकी जो पैपिरस है उसकी ये लाइफ साइकिल होती है। अगला जो लार्वा है क्रिप्टोनिस्कस लार्वा है वो क्या होता है, बेसिकली दिस इज अ सेकंड स्टेज ऑफ लार्वा ऑफ पैपिरस दैट अकर्स इन द गिल चैम्बर्स ऑफ प्रॉन एंड लॉबस्टर। बॉडी इज एलोंगेटेड ओवल विद सिक्स पेयर्स ऑफ थोरेसिक अपेंडिसेस मॉडिफाइंग फॉर क्लिंगिंग ऑन द होस्ट। देयर इज अ सिंगल पेयर ऑफ प्लियोपोड्स फॉर स्विमिंग। द फर्स्ट पेयर ऑफ एंटेना इज एब्सेंट व्हाइल द सेकंड एंटेना इज लॉन्ग एंड यूनिरेमस एंड माउथ पार्ट्स आर पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। ये जो पैपिरस है ये इसका सेकंड लार्वा है, जिसको हम क्रिप्टोनिस्कस लार्वा कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, ये प्रॉन्स तथा लॉबस्टर के गिल चैम्बर में पाया जाता है। बॉडी इसकी अलोंगेटेड होती है, जिसपे छह पेयर थोरेसिक अपेंडिजेस पाई जाती है, जो कि होस्ट के ऊपर क्लिंगिंग करने के काम में आती है। और इसका जो प्लियोपोड्स होता है वो सिंगल पेयर होता है, जो कि स्विमिंग के काम में आता है। और इसके अंदर एंटीना जो होता है वो एब्सेंट होता है, और सेकेंड एंटीना जो होता है, फर्स्ट एंटीना एब्सेंट होता है, सेकेंड एंटीना होता है वो लंबा तथा यूनिरेमस होता है। और जो माउथ पार्ट्स होते हैं उसके पियर्सिंग तथा सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स इसके होते हैं। इस प्रकार से हमने पूरे लार्वा पढ़ लिया। अब इन लार्वा के सिग्निफिकेंस क्या है, बेसिकली द लार्वल स्टेजेस आर सिग्निफिकेंट इन साइंटिफिक स्टडीज एज दे शो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्रस्टेशियंस। नॉप्लियस एंड मेटल और नॉप्लियस स्टेजेस आर कॉमन टू ऑल क्रस्टेशियंस whether they are outside or inside the eggs, they show common ancestry of all crustaceans from similar ancestor. The larvae are important for the species as they help in the dispersal of the animals to the distant places. They help to study the different group of crustaceans. The larval stages are useful in finding the homologies and affinity of various groups. तो इस प्रकार से ये जो larval stages होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, और इनका सिग्निफिकेंस होता है। सिग्निफिकेंस में अपने ये देख लिया कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करती है, इसके बीच में डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्रस्टेशियंस के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करती है। और जो नॉप्लियस तथा मेटानॉप्लियस जो स्टेजेस होती है वो लगभग सभी क्रस्टेशियंस के लिए कॉमन होती है। इस वजह से ये क्या करते हैं, ये कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं कि ये जो सभी जो क्रस्टेशियंस है ये सिमिलर जो पूर्वज है उनसे डेवलप हुए हैं। और जो इनकी लार्वा होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, स्पीशीज के लिए, जिससे स्पीशीज अलग अलग जगह फैल सकती है। और ये जो लार्वल स्टेजेस होती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ क्रस्टेशियंस के स्टडी के काम में भी आती है। और ये जो लार्वल स्टेजेस होती है होमोलॉजी तथा एफिनिटी एस्टैब्लिश करने के काम में भी आती है, अमंग डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में होमोलॉजी तथा एफिनिटी भी ये शो करने के काम में आते हैं। यदि हम इसको कंक्लूड करें तो क्रस्टेशिया इन देयर डेवलपमेंट अंडर गो वेरियस लार्वा स्टेजेस विथ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। द नॉप्लियस लार्वा प्रेजेंट इन मेजोरिटी ऑफ क्रस्टेशियन लाइफ साइकिल, देयरफॉर इट इज बिलीव्ड दैट ऑल क्रस्टेशिया माइट have evolved from the common ancestor which is resemble to Nauplius larva. The other larva such as Metanauplius, Miasis and Zoia shows the stages of evolution of higher crustacean from the Nauplius like ancestor. तो इस प्रकार से यदि हम conclude करें तो basically हो जो अपन ने जो पहले point बताए
वही पॉइंट इस पर बता रहे हैं कि जो क्रस्टेशिया है ना, जो वेरियस लार्वा स्टेजेस क्रस्टेशिया में पाई जाती हैं, जो कि इनकी इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी शो करता है, और जो नॉपलिस लार्वा है और जो मेटानोपलिस और जोइया और माइसिस लार्वा है, ये इनके बीच में इवोल्यूशन शो करते हैं कि ये ना जो एक सिंगल एंसेस्टर से ये डेवलप हुए हैं सारे क्रस्टेशियंस। तो इस प्रकार से हमने क्रस्टेशिया के जो लार्वा है उनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में आज स्टडी की। आज हम इसको ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अथवा मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।